नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पित आर्य। यूपी की जंग में आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि विकास से लेकर किसानों की अनदेखी हुई, लेकिन योगी ने सपा को माफिया राज और अपराध पर घेरा। दोनों पार्टियां सत्ता में आने का दम भी भर रही हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए धुआंधार प्रचार योगी का दिख रहा है। तस्वीर देखिए, वहीं अखिलेश भी मोर्चा संभालते हुए नजर आए। आरोप प्रत्यारोप के तीर, बयानबाजियां, ये सब चलते हुए नजर आए। वहीं शाह ने भी अपनी गर्जना दिखाई। तो कुल मिलाकर जितने राजनीतिक दल हैं, वो एक एक करके मैदान में उतरते हुए। आपको विकास और सुशासन के साथ साथ सुरक्षा वाली सरकार चाहिए, या दंगा कराने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता पैदा करने वाली सरकार? दंगा मुक्त सरकार, यही भाजपा का संकल्प है। भय मुक्त सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हर बेटी को सुरक्षा, हर व्यापारी को सुरक्षा देने वाली सरकार, सबका सम्मान, सबके स्वावलंबन के लिए कार्य करने वाली सरकार, और ये करेगी केवल भारतीय जनता पार्टी। 5 साल आपने देख लिए भारतीय जनता पार्टी के। अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ, लोगों को परेशान किया गया, कारोबार ठप हो गया, काम नहीं हो पाया, घरों में बंद रहना पड़ गया, मजदूरों का काम छिन गया। बताओ, ऐसे बुरे दिन कभी अगर आपने देखे हो तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी हो तो बता दो। इनका हर नेता झूठ बोलता है, और इनके भाषण सुन लेना, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा होगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा होगा, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होगा। 2017 के पहले क्या होता था? बुंदेलखंड में माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, वन माफिया और तमंचावादी माफिया भी हावी थे ना। मुझे एक बात बताइए, आज राह चलते हुए किसी राहगीर पर, किसी व्यापारी पर या किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का तो साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे। नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत, और इन्हें बूथ पर कोई दिखाई नहीं देगा, मक्खी मारने वाले भी नहीं मिलने वाले। 5 साल आपने देख लिए भारतीय जनता पार्टी के। अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ, लोगों को परेशान किया गया, कारोबार ठप हो गया, काम नहीं हो पाया, घरों में बंद रहना पड़ गया, मजदूरों का काम छिन गया। और जरा आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां करहल में देखिए अमित शाह मौजूद हैं, वहीं मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव हैं। किसी का बूढ़ा बाप अगर बीमार पड़ गया, किसी गरीब माँ का बेटा बीमार पड़ गया और बड़ा खर्चा आया, तो कभी कर पाते थे क्या? नहीं, 5 ही दिन में बूढ़ा बाप कहता था, बेटा मुझे घर पर ले चलो, मैं तो मरूंगा बीमारी से, मेरे पीछे तेरा पूरा परिवार कर्ज के बोझ तले दबकर मर जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, ये मोदी जी जो है ना, चाय बेचने वाले का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है, गरीब के घर में जन्मा, गरीब के दर्द को जानता है। वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर आए और देश के 80 करोड़ गरीबों को उनके परिवार में 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज मोदी सरकार।
ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये सपा अपने आप को गरीबों की पार्टी कहती है और उसी का प्रभाव है। देखो कितनी दूर पे भीड़ है, चारों तरफ देखो, चारों तरफ लोगों की भीड़ है। क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है। वो कहते हैं, वो सोचते होंगे, देखे मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो हम तो समाजवादी पार्टी इस पर चलते है, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। यही मेरी अपील है और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी मेरी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है, इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसी हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इतनी भीड़ भरी उम्मीद के साथ आई, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरे पूरा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कर्तव्य मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोगों की और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विश्वास सभा, लाखों लोग आए उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी खेता पर खेती बाड़ी को करेंगे, खाद भी सब देंगे, लेकिन पैदावार होगी तो पैदावार को बेचने का ऐसा किया जाए व्यवस्था जिससे किसानों को लाभ और व्यापारी को भी लाभ हो। किसान, व्यापारी और नौजवान, इन तीनों को मिलकर के एक मजबूत है। और ये रणनीति किसी के पास है? केवल समाजवादी पार्टी के पास है। याद रखना, तीन, किसान, नौजवान और व्यापारी, नोट कर लेना सब लोग। यह प्रदेश आठवें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 5 साल में योगी जी ने उसको दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई। अरे करवाल वालों खुश मत हो, दूसरे नंबर से संतोष मत रखिए। मैं कह कर जाता हूँ, बघेल को और आंसू को जिता दीजिए, हम दूसरे नंबर से 5 ही साल में पहले नंबर पर लाने का। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे बनाना, हर घर में बिजली पहुंचाना, मेरे से भी बूढ़ी, मेरा जन्म 64 में हुआ, 62 में शुरू हुई, 3 सिंचाई योजना पूरी नहीं हुई थी, मोदी जी ने 5 साल में पूरी कर दी और 17 सिंचाई योजनाओं को पूरा किया। ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हमने एसपी सिंह बघेल को सोच समझ कर भेजा है। यहां पर सबसे बड़ी जरूरियात है सबका साथ सबका विकास का मंत्र को नीचे तक लागू करना। मुझे बताओ, सबका विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई, सब जातियों को विकास का अधिकार है या नहीं है? गरीब को विकास का अधिकार है या नहीं है? आज नहीं होता। अगर एसपी सिंह बघेल को विधायक बना दो, आशू को विधायक बना दो, मैं गारंटी लेता हूं विकास में हर पिछड़ा समाज की हिस्सेदारी होगी। मित्रों, हर पिछड़ा समाज की ये विकास का काम मोदी जी ही कर सकते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 70 साल से
ये कांग्रेस सपा बसपा इकट्ठा मिलकर राज करते थे दिल्ली में 70 साल से, धारा 370 को अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखा था। 70 साल में तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, होता है नहीं होता है, मगर उनका मोह नहीं छूटता था क्योंकि उनकी वोट बैंक वहां थी, वोट बैंक। मगर हम वोट बैंक से नहीं लड़ते, हम तो भारत माँ के लिए काम करने वाले लोग हैं भाइयों। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, जैसे ही दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर उन्होंने फेंका। और अखिलेश जी मुझे कहते थे, अखिलेश जी इसी चौराहे पर आकर जवाब देना, आपने कहा था पार्लियामेंट में खून की नदियां बहेगी, किसको डराते हो भाई, हमें डराते हो, खून की नदियां क्या बहेगी, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई कभी। और आज हम कश्मीर, आज भारत माता का मुकुट मणि, भारत माता के मस्तिष्क पर शोभायमान होकर आज दुनिया के अंदर दिख रहा है। मित्रों, इस सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी देश में, कांग्रेस की सरकार चलती थी, सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, और आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। माताओं भाई बहनों, वोट बैंक के डर से ये उफ नहीं करते थे। आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी और पुलवामा पर हमला किया, और मित्रों पाकिस्तान को ऐसा लगा क्या होने वाला है, वो भूल गए कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम जरूरी। मुझे बताओ ये सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा उत्तर प्रदेश और देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो भाई, इसी और भी बोलो, रख सकते हैं क्या देश को सुरक्षित? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही रख सकती है। तो ज्यादा बात नहीं है, किसने के प्रिय रंजन आंसू आंसू आ गया, सबको प्रणाम करो, प्रिय रंजन आंसू आए हैं, प्रचंड बहुमत से आंसू को जिताना है। तो तमाम दिग्गज इस वक्त मैदान में हैं और चुनावी रैलियां कर रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं आगे, जरा अब बात शांत समय रहते आए अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, जो हमलावर अब हो रहे हैं। कल उनका अलग रूप देखने को मिला जब उन्होंने मंच से पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। देखिए अखिलेश का ये नया अवतार। ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? ए, तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं, ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? तो देखिए अखिलेश यादव पुलिस पर बरसते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने दावा किया कि करहल में अखिलेश घिर गए हैं। तमाम बातें अब सामने आ रही हैं, जिस तरीके का अखिलेश का बयान आया, अब बीजेपी सीधे तौर पर उनको निशाने पर ले रही है। इसके लोगों से इस तरह से बात की जबकि वो भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे थे, आपको लगता है कि ये किसी वजह से है कि क्या इसके मायने? ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया, और ये वही लोग हैं जो
अखिलेश और उनके दूसरे साथियों के चुनाव अभियान में इस प्रकार की अराजकता फैला करके एक इस तरह का दृश्य स्थापित करना चाहते हैं कि लोगों को लगे कि उन्हीं की प्रभुसत्ता है, और इसीलिए पुलिस का मनोबल कम करना और अपने कानून का पालन जो नहीं करने वाले कार्यकर्ता है उनको मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की योजना बनाई जाती है, इस तरह के कथन निकलते हैं। पंजाब में आज पीएम ने अपनी आखिरी रैली की और उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है, पटना साहब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? संत रविदास जी जिन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया, काशी में पैदा हुए, आज पंजाब के हर घर में संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा है, क्या आप उनको भी निकाल दोगे? हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। पंजाब के मेरे भाइयों और बहनों, ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। वहीं पंजाब के रण में अब कांग्रेस ने मनमोहन सिंह से बयान जारी करवाया है। काफी दिनों बाद पंजाब के सियासी प्रचार में मनमोहन की आवाज सुनाई देगी। कोरोना दे दौर विच केंद्र सरकार दियां कोजियां नीतियां कारण जिथे एक पासे लोग डिग रही आर्थिकता वधदी महंगाई अते बेरोजगारी तो परेशान हन, दूजे पासे साढ़े अज दे हाकम साढ़े सत साल सरकार चलाउन दे बाद भी अपनी गलतियां नूं मन के उन्हां विच सुधार करन दी बजाए लोकां दियां समस्यावां लई अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू नूं जिम्मेदार ठहराउण विच लगे हन। मैं स्पष्ट तौर ते मंदा हां कि प्रधानमंत्री दे अहुदे दी इक खास महत्ता हुंदी है अते इतिहास ते देश दोष लगा के अपने गुनाह घट नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री दे तौर ते 8-10 साल काम करदे हुए मैं खुद ज्यादा बोलन दी बजाय अपने काम दे बोलन नूं तरजीह दित्ती। असी अपने सियासी लाभ लई कदे देश दी वंड नहीं कीती, कदे सच ते पर्दा पाउण दी
कोशिश नहीं की थी। कदे देश अते अहुदे दी शान नू काट नहीं होन दिता। हर मुश्किल दे बावजूद असी अंतरराष्ट्रीय पदर ते भारत अते भारतीयां दा मान वधाया।